मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों के ऐलान के बाद एक बड़ा उलटफेर हुआ है। समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक राय शुक्ला जो मध्य प्रदेश में थे उनको पार्टी ने निलंबित कर दिया है और वजह साफ है कि जिस तरह से पिछले दो दिनों में जो गतिविधियां देखने को मिली उनका जिक्र भी किया उन्होंने ट्विटर पर और ये साफ कहा है कि जिस तरह से बीजेपी के पास मिलना जुलना और पहुँचना वो तमाम बातों का जिक्र किया है। आपने वोट किया बीजेपी को, पार्टी ने आपका शर्त कर दिया? वो तो हम कल से भी कह रहे परसों से भी बोल रहे हैं कि चूँकि बजावर विधानसभा की विकास जनता तभी संभव है जब सरकार के साथ हम समर्थन करें। चूँकि हम तो इकलौते हैं, 15 महीने सरकार कमलनाथ जी की रहे, निष्ठा से उनके साथ रहे और आज जब मौका आया तो हमें पार्टी से ऐसी गाइडलाइन भी नहीं मिली थी कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन जो आपसे सूचना मिल रही है जो भी हमें नोटिस और अपना जवाब पेश करूँगा कि हमारी क्या मजबूरी है। हम इस क्षेत्र से आते हैं कि बहुत पिछड़ा आदिवासी बावन क्षेत्र है जहाँ विकास की बहुत ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा यदि पलायन कहीं से होता है तो हमारी विधानसभा से होता है और विकास के लिए हमारी मजबूरी सरकार आगे चल रहे थे। आपकी आप जिस तरह से बीजेपी के शामिल होने देना स्वाभाविक है कि समाजवादी की विचारधारा भाजपा से नहीं मेल खा पाती तो इसका भी अंदाजा था कि ये होगा, लेकिन मैं अखिलेश जी के समक्ष जाकर अपनी सफाई दूंगा क्योंकि उनने जो स्नेह प्रेम दिया उसका मैं आपके पास बीजेपी एकमात्र नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जनता से चुन के आए हैं, ना कांग्रेस से आए हैं ना भाजपा से आए हैं, तो हमारे पास चार ही लिए साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक थे मध्य प्रदेश में और आखिरकार पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया गया और ऐसे में हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि अभी इस तरह का एक ऑप्शन छोड़ा है कि वो बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से मानकर चल रहे थे कि जिस तरह से जो परिस्थितियाँ उनके बाद उनको भी अंदाजा था कि हो सकता है कि पार्टी उनको निष्कासित कर सके। कैमरा पर्सन कमलेश दास के साथ श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।